नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। आज हम जानेंगे एआई और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरें। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टेक्स्ट लिखकर सीधे वीडियो बना सकेंगे। इसके लिए गूगल ने अपना लेटेस्ट एआई मल्टी मॉडल ल्यूमियर लॉन्च किया है। गूगल का नया एआई मॉडल एक टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो मॉडल है। ये रियलिस्टिक और कई तरह के मोशन क्रिएट कर वीडियो बना सकता है, यानी इससे आप टेक्स्ट से सीधे वीडियो तो बना ही सकते हैं, साथ ही इमेज से मोशन वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। ल्यूमियर में आपको सिर्फ टेक्स्ट या फोटो का इनपुट डालना है और एआई न्यूरल नेटवर्क आपको वीडियो क्रिएट करके दे देगा। इस टूल के जरिए इमेज को एनिमेट और इनपुट इमेज या पेंटिंग के फॉर्मेट में बदलकर वीडियो बनाया जा सकता है। इस मॉडल से इमेज और वीडियो में स्पेशल एनिमेशन और पेंटिंग बनाया जा सकता है। गूगल का नया ल्यूमियर ट्रेडिशनल वीडियो मॉडल के विपरीत एक स्पेस टाइम यूनिट आर्किटेक्चर को अपनाता है, जो एक ही फ्रेम के हिसाब से पूरी वीडियो प्रोड्यूस करता है। इससे उलट मौजूदा एआई वीडियो मॉडल एक समय में दूर के मुख्य फ्रेमों को सिंथेसाइज्ड करते हैं। इनोवेशन की ये टेक्निक अस्थाई सुपर रिजोल्यूशन के बाद दूर के की फ्रेम को सिंथेसाइज्ड करने की जरूरत को खत्म कर देती है। इससे वीडियो में स्टेबिलिटी आसानी से मिल जाती है। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव कुर्सी संभालने के बाद से ही प्रदेश के हर विभाग में कुछ नया करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लगातार देखा जा रहा है, सीएम प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई है कि प्रदेश में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अवैध रेत और अन्य खनिज खनन पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए करोड़ों का बजट रखा गया है। मध्य प्रदेश में खनिज विभाग अवैध खनन से निपटने के लिए अब खनन विभाग यूपी और राजस्थान से सटे जिलों में ई गेट लगाएगा। ई गेट्स पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खनिज परिवहन के वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर रिकॉर्ड हो जाएंगे। इससे एआई चेक करेगा कि क्या वाहन खनिज परिवहन के लिए अधिकृत हैं और रजिस्ट्रेशन सही है या फिर नहीं। साथ ही साथ कैमरे के माध्यम से ओवरलोडिंग की भी चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के दौरान अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो भोपाल के कंट्रोल और कमांड सेंटर को सूचना भेज दी जाएगी। इसके लिए 26 करोड़ का बजट रखा गया है। मलयालम सुपरस्टार ममूटी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म में उनके एआई जनरेटेड एवतार का इस्तेमाल किया जाएगा। खबरों के मुताबिक 72 साल के ममूटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 30 साल के आदमी में बदल दिया जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि एक्टर को जगह पर मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। जैसा कि साउथ फर्स्ट ने रिपोर्ट किया है, इस बारे में जानकारी डायरेक्टर बी उन्नीकृष्णन ने नियो फिल्म स्कूल के कॉन्वोकेशन में शेयर की थी। एक कार्यक्रम में फिल्म स्कूल के छात्रों से बात करते हुए उन्नीकृष्णन ने कहा कि ममूटी ने प्रोजेक्ट के लिए अपने एआई जनरेटेड वर्जन के इस्तेमाल के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। उन्नीकृष्णन ने कहा, ममूटी की मंजूरी एक आने वाली फिल्म के टेक्नीशियंस ने ली थी, जिसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर के लिए एआई का इस्तेमाल करने की सोची थी। एक्टर ने भविष्य में फिल्मों में टेक्नोलॉजी की प्रमुख भूमिका को पहचानते हुए अपनी सहमति दी। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई।